क्रूज मोड, नॉर्मल खपत व्हीकल, तो उनको 30 डेज की आपको वारंटी देनी पड़ती है। तो कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? अभी इंटरनेट पे 1%, 2%, 3% लिखा होता है, लेकिन जब आप एक्चुअली लेने आते हो, क्योंकि बेटा रोड पे आ गया हूँ, ये पुलिस वाले मेरे को जीने नहीं देंगे, तो 750 की आई। ये वाली है फेवरेट वाली, यही है। इसका प्राइस देखो आगे से भाई, 14950 की है। 3.5 लीटर का इसका इंजन है, इंजन थोड़ा बड़ा है, किलोमीटर चली है 1,70,000। और भी काफ़ी गाड़ी है यहाँ पे, ये है 9,850 की। देखो कनाडा के अंदर आपको $9,500 की ऑडी मिल जाती है, यानी 5-6 लाख रुपए की ऑडी। पर इसमें दिक्कत यह है कि ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर चली है, 2,15,000 समथिंग। सब 10,000 की गाड़ियाँ हैं, पर ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए इसका मुझे आइडिया नहीं। ये दूसरी ऑडी है ब्लैक कलर की, भी मस्त गाड़ी है। ये है $14,500 की। इसका जो इंजन है वो 2 लीटर का है, यानी पेट्रोल तो कम खाएगी, और 1,16,000 किलोमीटर चली है। तो ये वो वाली गाड़ी है जो हम लोग फेसबुक मार्केट प्लेस में देख के इस तरफ आए थे। कौन सा है? ये हीटेड सीट होगी। इसमें एक पुश स्टार्ट है, वही वाला जैसा क्रूज मोड है, हीटेड सीट है, छोटी सी है, और जो रूफ है वो इसका मेन है कि भाई पैरानोमिक रूफ है। गाड़ी का देखिए, ऐसे टूटा हुआ है आगे का विंडशील्ड, दिख रहा है वो आगे का विंडशील्ड का, वो भी टूटा हुआ है, इसे टूटी हुई है बम्पर भी। तो ठीक करके देंगे? नहीं। तो फिर अगर पैसों में देखा जाए तो पैसों में ये है 10,000 की, वो है 15,000 की। अब माइलेज का तू देख ले, क्योंकि वो जो कितने 1,70,000 चली है, कितनी जल्दी कितनी है, ये भी 1,70,000, वो 3 लाख तक चल जाएगी, ये भी 1,70,000 चली हुई है। ले माइलेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कनाडा में 3-4 लाख किलोमीटर गाड़ियाँ चलती है। टोयोटा और होंडा दो ऐसी ब्रांड है जो रिलायबल है और जो महंगी भी आती है अगर सेकंड हैंड पे आप लेते हो तो, जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी आती है और इंजन बहुत ही अच्छा होता है। मेंटेनेंस टोयोटा का तो बहुत कम होता है, होंडा का तो फिर भी थोड़ा होता है, इतना तो मुझे नॉलेज हो चुका है लोगों से सुन सुन के। गाड़ी थोड़ी टूटी हुई है, तो वॉक्सवैगन पसाट है यहाँ पे 10,850 की। ये सारी गाड़ी अच्छी होती है अंदर से। Perfect, there's no, these are all the records, normal Quebec vehicle. देखो ये वाली गाड़ी फोर्ड की है, ये भी ज्यादा किलोमीटर चली है, लेकिन 9,800 की आपको मिल जाएगी। तो किया में ऐसा है कि किया का जो इंजन है उसकी नॉलेज ना इसे है ना मुझे, और ना ही मार्केट में, क्योंकि मार्केट में किसी को भी पूछते सब बोलते सबसे पहले टोयोटा लो, उसके बाद होंडा लो। तो टोयोटा कैमरी इसके पास ऑलरेडी है, इसने चलाई थी, इसको एक्सपीरियंस है, गाड़ी अच्छी है। 2012 का मॉडल था, 1,70,000 के अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर चली हुई थी, और कितने की थी? 15 अराउंड की थी। तो फिर हमने पूछा कि अगर हमको ये गाड़ी फाइनेंस पे लेनी है तो कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? अभी इंटरनेट पे 1%, 2%, 3% लिखा होता है, लेकिन जब आप एक्चुअली लेने आते हो तो सबसे पहले इसके पास इंडिया का लाइसेंस था, इसके पास कनाडा का यानी क्वेबेक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अगर आपके पास कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस है तो इंश्योरेंस कम होता है, इसका इंडिया का था, उन्हें गाड़ी चालू कर दी पहनना, उससे इंश्योरेंस में फर्क पड़ता है। और दूसरा उसने बोला कि आपका यहाँ पे जो स्टेटस है वो है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का अलग हिसाब किताब रहता है, लेकिन हाँ 1.5-2%, 3% नीचे नहीं ऊपर आवाज आएगी, लेकिन 1.5-2%, 3%, 4% से अलग अलग
जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो होती है, लेकिन इसको जो ऑफर किया था वो कुछ 9.95% ऑफर करा गया था, 10% पूरा इसको ऑफर करा गया था। ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर में, आपकी प्रोफाइल में, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, आपका स्टेटस क्या है, सिटीजन हो, पीआर हो, स्टूडेंट हो, आपके पास लाइसेंस कौन सा है, वो डिपेंड करता है। ये गाड़ी हमको पसंद आ गई है और अच्छी बात ये थी, अच्छी बात मतलब कनाडा में रूल है अगर आप कोई भी डीलर से ऑथराइज डीलर से किसी भी बंदे से गाड़ी लेते हो तो उनको 30 डेज की आपको वारंटी देनी पड़ती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कनाडा की गवर्नमेंट का ये अच्छा नियम है जिसकी वजह से इन सबको हमको सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है। यहाँ से हम लोग माजदा के शोरूम में भी जा रहे हैं, तो ये गाड़ी अप्रोक्स 15 की थी, तो माजदा के शोरूम में जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या सीन रहता है। माजदा भी अच्छी गाड़ी है लेकिन टोयोटा इज नंबर 1, होंडा इज नंबर 2, उसके बाद बाकी सब गाड़ियों के नंबर आते हैं। क्या इसे देख, इसे देख, देखो सिग्नल तोड़ के जा रहा है, लाइव कैमरे पे सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं। अगर पुलिस ने इसको देख लिया होता तो पुलिस को छोड़, अगर किसी ने ठोक दिया होता इसको तो लाल अपनी होती, पर आंख बंद करके गाड़ी नहीं चलाने की नंबर 1 नियम है, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। इसका कल क्यूबेक का एग्जाम भी है। किधर करूँ, गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दे, धूप का मैटर है और कोई मना नहीं कर सकता। और आज तुमने मेरे को अगर चलाया ना तो मैं नहीं चलाऊंगा, सीधा मैंने जैसे बात करता हूँ, कौन तेरे को रुकता है गाड़ी रोकने को, बता जरा। किसने माजदा का अंदर का तो इंटीरियर अच्छा होगा, माजदा सस्ती, यानी जो 15 की इसने कैमरे देखी थी ना, पक्का बोलता हूँ 15 की माजदा बहुत अच्छी होगी इंटीरियर वाइज। बट फिर वो बात है ना, एप्पल है और MI है, वो फर्क पड़ जाता है। इसका है ना ये वाला जो पूरा सेटअप है ना, ये पूरा BMW की एक सीरीज आती है उसकी तरह ही है। ठीक, कितने लाख भाई, एक बार बताऊं, स्पेसियस नहीं है इतनी यार। नहीं नहीं, 2016 का मॉडल है यार, दिस इज हैचबैक, मजा नहीं आएगा। हीटेड सीट तो इसमें भी होगी और इसका भी इंटीरियर सेम 2018 की तरह ही है, लेकिन गाड़ी तो भाई सेम ही सेम है, इंटीरियर सेम है पर ये हैचबैक है भाई, 2016 का है। How long? 1.5 years. And what's the interest rate? 8.99 is the regular rate. 8.99. Okay. तो वो जो गाड़ी थी जो लाल कलर की आपको हमने दिखाई थी 2018 का जो मॉडल था, जो सबसे पहली वाली माजदा थी, वो अराउंड 18-19 की थी, लेकिन टैक्स के साथ वो हमको पड़ रही थी कुछ $27,000 की, 3,000 का तो खाली टैक्स लग रहा था। कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो इसने भी सेम बोला आपको 8.99 लगेगा, लेकिन ये 10% भी जा सकता है क्योंकि आप स्टूडेंट हो सकता है कि स्टूडेंट को कम में भी मिलता हो, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ पे हमको बताया गया है कि 9-10% का है। जो वो वाली गाड़ी थी जो हम लोग सबसे पहले देख के आए थे वो फाइनल कर दी है, इंजन बहुत दमदार है, बर्फ को चीरते हुए जाती है अकॉर्डिंग टू करंट। वही गाड़ी अभी हम लोग घर में लेंगे और इस गाड़ी को रिटर्न करने के लिए इसने अभी जो कार्यक्रम है वो सब करना चालू कर दिया है। जैसे ये गाड़ी जाएगी वैसे 6 जराएंगे प्लस वो अपने थोड़े और पैसे ऐड करेगा, जाके हम लोग वो गाड़ी ले आएंगे। हम लोग दो वीडियो डाल चुके हैं जो करण की गाड़ी ढूंढने गए थे, Day 1 और Day 2, आप जाके ऊपर आई बटन से देख सकते हो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो। साथ में भी जाएंगे, वहाँ जाके नंबर प्लेट लाएंगे। तो अभी इस ब्लॉग को हम एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि मेरे को एक लेटर आया था घर के अंदर कि भाई कनाडा पोस्ट से आपका कोई पार्सल घर की तरफ आया था लेकिन डिपॉजिट नहीं हो पाया ड्यू टू मुझे नहीं पता क्या रीजन था। तो ये भी बाजू में ही फार्मा फ्रिक से वहाँ जाते हैं। और कनाडा पोस्ट में आया क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट का आया था क्या, आया समझ गया मैं, सिग्नल वाली स्ट्रीट वाली टिकट थी सत्यम के साथ $172 की, क्या दिए इन लोगों ने 6 महीने। ये वो टिकट है जो आज से 6 महीने पहले मैंने सिर्फ एक लेफ्ट टर्न गलत ले लिया था, मतलब वहाँ लेफ्ट ले सकते थे लेकिन सुबह 8 बजे नहीं ले सकते थे। ओ, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं कि लेफ्ट टर्न ले ही नहीं सकते थे, नहीं। लिमिटेड टाइम के लिए ले सकते, मतलब लेफ्ट टर्न वहाँ पे कुछ कुछ टाइम ले सकते कुछ कुछ टाइम नहीं ले सकते। तो वहाँ बोर्ड था पर बोर्ड फ्रेंच में था तो हमने देखा नहीं, हमने तो मारा लेफ्ट, क्योंकि शाम के टाइम पे लेफ्ट लेते थे तो कोई बोलता नहीं था। तो सुबह के टाइम पे कॉलेज जाना चालू किया था, जस्ट ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ था, दूसरा दिन था बेचारा, दूसरा ही दिन था। तो ये टिकट आ गई थी 172 की, तो मैं खुश हो रहा था
कि 6 महीने हो गए, 6 नहीं कितने महीने, हाँ 6 महीने हो गए कि टिकट घर नहीं आ रही, टिकट घर नहीं आ रही, और ये आई है और घर नहीं आई है। मैं लेने गया हूँ उसको कनाडा पोस्ट में, इतना मस्त पैक करके दिए टिकट, क्योंकि बैठा रोड पे आ गया हूँ, ये पुलिस वाले मेरे को जीने नहीं देंगे। घंटे से तो यही बैठा हुआ है, बैठा हूँ, भर रहा हूँ, शांति रखे। 1.5 साल में चौथी टिकट है, पहली टिकट थी गाड़ी में इंश्योरेंस के पेपर नहीं रखे थे क्योंकि कोविड का टाइम था, घर पे आए ही नहीं थे और कंपनी ने कहा था कि तुमको नहीं रखना है, तो पहली वहाँ आई। दूसरी आई कि मैं गाड़ी में सो गया था, नो पार्किंग में, 150 की आई थी। तीसरी आई थी ये वाली, और चौथी ये करण ने मेरे को प्राइवेट पार्किंग में गाड़ी, बोले मेरी पार्किंग है, कर दे कर दे, और इसी की पार्किंग में मेरे को टिकट आई। 4 टिकट आई पिछले 1.5 साल। वो मेरे ओनर की मिस कंफ्यूजन हो गई थी, जो भी हो कंफ्यूजन, मैं तो रोड पे आ गया ना, 172 ने कितना हुआ मल्टीप्लाई पे 60 कर, मेरी याद है 1 साल पहले 2000 रुपए का फटका लगा है। 150 की डॉलर की टिकट पे यहाँ बैठा है, मेरे तो 750 की आई थी, 750 की आई थी, वो भी इंडिया में। तेरी टिकट क्यों आई थी जरा बता ना, ये भी बता बता। टोल वाली रोड पे चला गया, टोल वाले रोड पे, इसका मतलब जहाँ पे जॉब था वो फ्लाईओवर पे टोल आता था, तो जाता रहा 6 महीने तक नॉन स्टॉप, और इंडिया का लाइसेंस था तो इंडिया के लाइसेंस पे, तो अब यहाँ का लाइसेंस है तो ये सब मेरे घर पे आता है, नहीं तो कनाडा पोस्ट में आता है। इसका इंडिया में जाता रहा, और वो इंडिया में अगर आज चिट्ठी जा रही तो 2 महीने बाद पहुंच रही है, आज जा रही है 3 महीने बाद पहुंची, बहुत सारी पहुंची थी, अभी पहले ही पहुंची है, पर मैंने भर दिया $750। जब हम लोग ऑनलाइन पे करते तो मालूम पड़ जाता है कि और भी कितने टिकट्स है, तो बेचारे के 750 गए थे, तो मेरे भी देख धीरे धीरे करके जा ही रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे नहीं देने का, एक बार में दे दो, बस 1 साल के लिए फ्री हो जाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ियाँ लेते हो तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, नहीं तो जितने की गाड़ी है ना उतने की टिकट भी भरनी पड़ती है फिर यहाँ पे स्लोली स्लोली। 3000 की गाड़ी ले रहे हो तो 4000 की मान के चलो, $1000 का तो टिकट अलग से निकाल के रखो साइड में उसको कोने में, लेकिन इतना भी कोई डर वाली बात नहीं है भाई। 1.5 साल में मेरे को 4 आई है, और इसको तो 1.5 साल में एक ही ऐसी आई है कि वो मेरी टिकट नहीं है, वो एक्चुअल में टोल है, टोल का था, जो कि वहाँ पे मेंशन भी नहीं था कि टोल है या नहीं है, तो वो मेरी गलती नहीं है। मेंशन होगा तो भी फ्रेंच में होगा, इसको समझ नहीं पड़ा होगा। बाय बाय। जो बेल आइकन है उसको खास करके दबा दीजिए ताकि आपको टंग देके नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी नवी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ। और वहाँ पे पार्किंग की स्पेस यहाँ से नहीं है। हाँ बहुत है, बहुत है।